रशिया यूक्रेन पर तीन साइड से हमलावर हुआ। जो फौज बेलारूस की तरफ से दाखिल हुई उसने यूक्रेन के कैपिटल का रुख किया और यूक्रेन की सारी तवज्जो कैपिटल को बचाने की तरफ चली गई और वो फौज कैपिटल के करीब आकर बैठ गई। और जो दो तरफ से दूसरी तरफ से हमलावर हुई फौजें उन्होंने ब्लैक सी के साथ साथ वाला एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया और उसमें यूक्रेन की पोर्ट्स जो आती हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। और ये ब्लैक सी के साथ साथ वाला एरिया रूस के कंट्रोल में आ गया। अब अगर आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन की आपस में सुलह हो जाती है, जंग बंदी हो जाती है, तो ये जितने हिस्से पे रशिया काबज़ हो गया ये रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। और जब ये ब्लैक सी वाला एरिया सारा रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा तो यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा।